कल यानी 29 मई को फतेहाबाद में होने वाली कांग्रेस की रैली से पहले ही कांग्रेस में पोस्टर विवाद शुरू हो गया है। विवाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए रैली के पोस्टर के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी रैली का पोस्टर बनाकर ट्वीट कर दिया। कुछ ही देर में किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा से ट्वीट कर कड़वा सवाल पूछ डाला। किरण ने कहा कि क्या कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने पत्र भी जारी किया था कि कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो लगाना अनिवार्य है, लेकिन कल रविवार को फतेहाबाद कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, लेकिन पोस्टर पर कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लगाने पर किरण चौधरी ने आपत्ति जाहिर कर दी। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने 12 मई को एक लेटर जारी किया था, जिसमें आदेश दिया था कि सभी नेताओं को हर कार्यक्रम में होर्डिंग और पोस्टरों में नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के फोटो लगाने अनिवार्य हैं। मगर उसके बाद भी सभी नेताओं की फोटो न लगाने के बाद कांग्रेस के कुछ नेता खफा हो गए, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी को साफ दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।